पटना में 12 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक है। इससे पहले आज बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव कर दिया गया। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को कांग्रेस विधायक दल से छुट्टी कर दी गई। अब शकील अहमद कांग्रेस विधायक दल की कमान संभालेंगे। पटना के सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में यह फैसला किया गया, लेकिन इस बैठक में पार्टी के आधा से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे। 19 में से महज 8 विधायक मीटिंग में शामिल हुए। बिहार कांग्रेस में कलह रिटर्न्स, अजीत शर्मा की छुट्टी, आधी पार्टी हुई बागी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार कांग्रेस के लिए 3 जून का दिन बेहद अहम रहा। कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस से जुड़े सभी बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन हैरत की बात है कि इस मीटिंग में महज 8 विधायक ही पहुंचे, जबकि 11 विधायक बैठक से नदारद रहे। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आज हुई बैठक के अहम फैसले को समझना होगा। दरअसल कांग्रेस ने शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता चुना है और इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल के पद से अजीत शर्मा की छुट्टी हो गई। कांग्रेस के हमारे प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी और इस बैठक के लिए विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर आए श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, AICC के जनरल सेक्रेटरी श्री तारिक अनवर साहब विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में पार्टी हाई कमांड का एक निर्णय आया CLP लीडरशिप को लेकर, जो वहीं लिफाफा खोला गया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारे इंचार्ज के रिकमेंडेशन को अप्रूव करते हुए श्री शकील अहमद खान को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया, उनकी नियुक्ति हो गई, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया, सर्वसम्मति से उनका चयन हुआ। अजीत शर्मा को शायद पता था कि आज उनकी छुट्टी होने वाली है, शायद इसीलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन जिस बैठक में बिहार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मौजूद थी, वहां 11 विधायकों का नदारद रहना बिहार कांग्रेस और शकील अहमद के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पार्टी ने अजीत शर्मा का पत्ता सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर काटा है, जबकि खबर है कि अजीत शर्मा से CM नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आधे से ज्यादा विधायकों की नाराजगी को बिहार कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है? क्या अजीत शर्मा महज मोहरा है? इस फैसले का सूत्रधार कोई और है? लोकसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों से ही कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? प्रशांत झा, Zee Media,